नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पारिक और दोस्तों आपका सभी का यहां पर बहुत बहुत स्वागत है सिंखोरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों थंबनेल से आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि आज जो यहां पर बात होगी ये बात होगी साल 2022 में होने वाले आपके फिजिक्स के टर्म टू पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th का फिजिक्स का टर्म टू का पेपर। आई होप बच्चों आप सभी ने सैंपल पेपर तो जरूर से देखा होगा, लेकिन दोस्तों सिर्फ पेपर देख लेने से वहां पर काम नहीं चलती है। पेपर केवल देख लेने से वहां काम नहीं चल जो है काम नहीं चलने वाला, आप लोगों को यह देखना होगा कि आखिर यहां पर क्वेश्चंस का लेवल क्या है। जी हां दोस्तों, चाहे आप माने या ना माने पर इस चीज में सच्चाई है दोस्तों, ये पेपर है डराने वाला। जी हां दोस्तों, जितना टफ आप बच्चों को टर्म वन का फिजिक्स का पेपर लगा होगा उससे कहीं ज्यादा अपने पास टर्म टू का फिजिक्स का पेपर अपने पास टफ होने वाला है। तो दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूं कि डरना जरूरी है। डरना जरूरी है, डरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक आप डरेंगे नहीं तब तक आप पहले से सतर्क कैसे रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो नहीं कहते कि जो है दुर्घटना से भली तो मतलब कि दुर्घटना से सावधानी भली। तो दोस्तों ये उन्हीं सावधानियों के बारे में, प्रिकॉशंस के बारे में, आज स्ट्रेटजी के बारे में मैं ये वीडियो बच्चों के लिए खास लेकर के आया हूं कि आखिर पेपर में डराने वाली वो बातें कौन कौन सी है जिन पे बच्चों ने अब तक ध्यान नहीं दिया, और अगर आज इस वीडियो में वो वाली बातें बता भी दी जाए तो उसके बाद आखिर खुद को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से हमारे टर्म टू की स्ट्रेटेजी इन 70 दिनों में होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई का जो एग्जाम का डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है 26 अप्रैल। जी हाँ दोस्त, 26 अप्रैल से आप लोगों का पेपर है। दोस्तों टाइम तो आपको बहुत मिल गया, लेकिन दोस्तों इस टाइम में बात बन भी सकती है और बात बिगड़ भी सकती है। तो बात बिगड़े नहीं, बात बनी रहे, इन्हीं सब बातों के बारे में मैं आज यहां पे आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों अब हम सबसे पहले, जी हां दोस्तों, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पे ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि आखिर पेपर से डरना क्यों है, है? कि भैया पेपर से डरना क्यों है, डरना क्यों है भाई। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ऐसी कई सारी वीडियोस देख रखी होंगी कि जहां पे लोग जो है लोग बाग आपको बताते होंगे कि लास्ट के 10 दिन में पढ़ लो, 15 दिन में पढ़ लो, 25 दिन में पढ़ लो। ट्रस्ट मी गाइस, अगर ऐसा कर रहे हो दोस्त नंबर नहीं आने वाले। लेकिन हाँ, अगर आपका मोटिव है कि जस्ट मुझे तो केवल पास ही होना है, मुझे अच्छे नंबर नहीं चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोलना यही चाहूंगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है अगर आप सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए ही पढ़ रहे हैं। जी हाँ, पास करने के लिए केवल 40-50 नंबर की, 40-50% मार्क्स की जो है रिक्वायरमेंट है, वो तो कोई भी बच्चा इजीली यहाँ पे ला सकता है। ये जो वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो कि सही मायनों में अच्छी स्टडी करना चाहते हैं, जिनको अब तक पेपर का कोई आइडिया नहीं है लेकिन आइडिया लगा करके वो एक मास्टर प्लान यहाँ पर तैयार करना चाहते हैं। दोस्तों थीम आज की जो है यही चलने वाली है कि आखिर पेपर से डरना क्यों है। दोस्तों अपनी बात के सपोर्ट में ना मेरे पास में यहां पर कई सारे क्या है पॉइंट्स हैं। जी हाँ दोस्त, पेपर से इसलिए डरो क्योंकि दोस्त इस बार के आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कोई डेरिवेशन पूछ लिया, कोई डेफिनेशन वगैरह पूछ लिया, कुछ यूनिट एंड डायमेंशन जैसा कुछ पूछ लिया, कोई छोटा मोटा सा न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चंस का वेटेज इस बार बहुत कम है। और इन सभी को समराइज करके एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि दोस्त इस बार थियरी कम है। जी हाँ दोस्त, पॉइंट नंबर वन तो भैया यही हो गया कि इस बार जो है आपके पास थियोरेटिकल पार्ट जो है बहुत ही कम है। तो वो बच्चे जिनको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए उनके लिए सिंपल सा है, जाओ और किसी भी सस्ते से नोट से पढ़ लो, दो चार बार पढ़ा, काम खत्म, दैट्स इट। दोस्त तुम 40-50% मार्क्स ले आओगे, सही है? तो दोस्तों जिनको अच्छे नंबर चाहिए वो लोग भैया सुन लीजिए कि भैया इस बार अपने पास थियरी कम है। अब कई लोगों से मैंने बोलते हुए सुना है कि भैया एनसीईआरटी पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो तो काम चल जाएगा, और बच्चे टू द पॉइंट उनको थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये चीज जान करके शॉक्ड हो जाओगे कि एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस बार कम है, और मोटी मोटी बात की एनसीईआरटी से भी कम है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी
कम है। तो सर अगर ये दोनों ही कम है तो सर इस बार आखिर आने क्या वाला है? हाँ, ये हुआ दोस्तों पॉइंट जो कि बच्चों को डरा सकता है, और वो बात ये कि दोस्त इस बार जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो अपने पास क्वेश्चन है दोस्त, उनका वेटेज अपने पास यहां पर क्या है, मैक्सिमम। अब सर आखिर ये क्वेश्चंस कौन से होते हैं? मान लीजिए कि आपने रे ऑप्टिक्स में सपोज आपने मिराज पढ़ा, जी हाँ दोस्त, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन पढ़ा। तो दोस्त केवल एप्लीकेशन पढ़ लेने से वहां पे काम नहीं चलता, सैंपल पेपर अगर आपने अच्छे से नोटिस किया है तो उसी एक टॉपिक TIR के एप्लीकेशन से मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन था, वहां पे सिचुएशन है कि ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, और वैसे क्वेश्चन का जवाब केवल सिर्फ और सिर्फ रीडिंग लगा लेने से यहां पर हमें नहीं मिल सकता। तो दोस्तों एट फर्स्ट ये चीज जान लो कि आखिर आप लोगों को पेपर से डरना क्यों है, क्योंकि इस बार ने जो CBSE ने सैंपल पेपर रिलीज किया है उनमें वो ये तीनों की तीनों जो बातें हैं इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है। आई बात समझ? अब आखिर सोचने वाली बात कि सर जब पेपर खतरनाक आने वाला है तो बचे खुचे दिनों में आखिर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा उसी मास्टर स्ट्रेटेजी के बारे में। तो आइए मेरे साथ और अब हम लोग यहां पे बात करें कि आखिर हमारी यहां पर जो मास्टर स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं उसी के बारे में यहां पर बात कर रहा हूं। लिख देते हैं भैया मास्टर स्ट्रेटेजी। ओके बड़ी, तो आखिर वो क्या होगी दोस्तों? कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर भूले भटके कोई बच्चा पढ़ने बैठ भी जाता है भैया फिजिक्स, तो वो कौन सी चीजें जो कि उसको डराती है? आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास की चीजें। दोस्तों जब भी कभी आप लोग पढ़ने बैठे तो उससे पहले पढ़ाई के लिए एनवायरनमेंट तैयार करें। अरे भैया, एक बड़ी इमारत तभी बन सकती है जब उसकी नींव जो है मजबूत है। तो यही मजबूती का काम आखिर कौन कर सकता है? आप लोगों के आसपास का एनवायरनमेंट। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, तो एनवायरनमेंट के बारे में भी बताएंगे और उसको ठीक कैसे करना है वो भी बताएंगे। तो भैया फर्स्ट पॉइंट तो यहां पर यही आने वाला है, क्रिएट द एनवायरनमेंट फॉर स्टडी। पढ़ने के लिए भैया एनवायरनमेंट तैयार करो। अब सर आखिर ये कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं दोस्तों? सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे मैं एक्सटर्नल डिस्टरबेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कभी कभार जब हम पढ़ने बैठते हैं तो दोस्तों अपना मन भी वहां पे नहीं होता, मतलब फिजिक्स उठा ली, पता है ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी वहां पे पढ़ने बैठ रहे तो भैया नींद आ रही। अब उससे कैसे बचें? उससे ऐसे बचना है कि आप जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं एट फर्स्ट आप उसके पॉइंट्स वहां पर चेक कर लीजिए, वो पॉइंट जो कि सिलेबस में इंक्लूडेड है, उन पॉइंट्स को जो है अपनी नोटबुक में अच्छे से भैया लिख लीजिए। अब अपने नोट्स को पहले जो है उठाइए, वहां से देखिए क्या क्वेश्चंस का अपने पास वहां पे लेवल है, क्या वहां पे कंटेंट है। पूरा पढ़ लेने के बाद फिर से जो है अपने उन्हीं उसी सिलेबस में पॉइंट्स को आप लोगों को देखने की जरूरत है। ये चीज एक तरीके से क्रॉस क्लैरिटी वाला काम यहां पे करने वाला है। आखिर दोस्तों हमें पता ये होना चाहिए कि यार मुझे आखिर पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फर्स्ट थिंग तो यहां पर यही वाली आने वाली है कि क्रिएट द एनवायरनमेंट फॉर स्टडी। ओके बड़ी, अब इसके बाद में क्या दोस्तों? पढ़ने का ना एक साइंटिफिक अप्रोच होता है, ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लिया, सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ लिया। दोस्त जो भी पढ़ोगे पूरा पढ़ोगे, वरना नहीं पढ़ोगे। अगर तुमने उठ करके सोचा है कि यार मुझे मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है, तो दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स में जो है मोटे मोटे अपने पास 3 चैप्टर है, और मैं कई सारे भैया अगर एक चैप्टर में 10 भी टॉपिक हुए तो टोटल मिला के टॉपिक हुए 30। तो आप लोगों को 30 के 30 टॉपिक वहां पे खत्म करने हैं। एक एक टॉपिक के ऊपर बेस्ड आपको जो है 10-10, 15-15 क्वेश्चन वहां पे लगाने की रिक्वायरमेंट है। अब सर क्वेश्चन बुक कौन सी करें दोस्त? मैं इस वीडियो में बुक के बारे में भी जरूर से यहां बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को यहां पर क्या करना है, सीधी सी बात है कि भैया हमको क्या करनी है, कंप्लीट स्टडी। और कंप्लीट स्टडी के लिए फिजिक्स के लिए दी बेस्ट बुक जो कि मार्केट में अवेलेबल है, और पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस में जिस बुक को मैंने सभी के सभी बच्चों को सजेस्ट किया है दोस्तों, वो है SL
अरोरा। जी हाँ दोस्त, एसएल अरोरा। तो आपको इसी वाली बुक को क्या करना है सॉल्व, और बहुत जल्दी इसी चैनल पे मैं एसएल अरोरा के क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी से यहां लेके आने वाला हूं। तो करना क्या है, जो भी आप अपने टॉपिक नोट से पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक के बाद वाले क्वेश्चन आप लोगों को कहां से मिलेंगे, एसएल अरोरा से। और दोस्तों ये वन एंड ओनली बुक है जिसमें जैसे ही टॉपिक खत्म होता है तुरंत उसके बाद में क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स है, उसके बाद अनसॉल्व एग्जाम्पल्स है, और फिर चैप्टर को पूरा खत्म कर लेने के बाद वहां भी सीबीएसई में पुराने सालों के क्वेश्चंस हैं, उन सबको कर डालिए जो चीजें आपके सिलेबस में है। दोस्तों हमें यहां पर क्या करना है, कंप्लीट स्टडी करनी है, और मैंने बुक का नाम भी आपको सजेस्ट कर दिया है। और दोस्तों तीसरी वाली बात कि बजाय चैप्टर बेस्ड पढ़ने के, देखो दोस्तों मैं अगर तुम्हें बोलूं कि यार तुम्हें ना 10 चैप्टर पढ़ने, तो मैं भी कई बार बच्चे डर जाएंगे यार 10 चैप्टर आखिर में एक साथ कैसे खत्म कर सकता हूं। पर अगर इसी बात को मैं थोड़ा सा मैं घुमा करके बोलता हूं, दोस्त तुम्हें 4 यूनिट्स पढ़नी है, तो दोस्त मन को सुकून मिलता है, 4 ही तो हैं, हो जाएगी। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा सा बनाना सीखो, अपने आप को थोड़ा सा यहां पे चीजों को सिंप्लीफाई करना आप लोगों को सीखना होगा, कि आप लोगों को बजाय चैप्टर वाइज पढ़ने के आपको कैसे पढ़ना है, यूनिट वाइज स्टडी करनी है। जी हाँ दोस्तों, यूनिट वाइज आप लोगों को स्टडी करनी है। तो दोस्तों अगर आप ये 3 काम भैया कर लेंगे तो नो डाउट आप लोगों का चाहे पेपर कितना भी टफ आ जाए वो पेपर आपको परेशान नहीं करेगा। तो आई होप आप लोग मेरी बात अच्छे से समझ चुके हैं। एट फर्स्ट मैंने आपको यह बताया कि आखिर पेपर से डरना क्यों, और सिर्फ डर के बैठना नहीं है, अगर अगर डर लग रहा है तो उस डर को मिटाओ, और डर को मिटाना कैसे, इन 3 आसान से स्टेप से। इस वीडियो में हमने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, हमने सिंपल सी अपनी स्ट्रेटजी, टर्म 2 की स्ट्रेटजी को यहां पे डिस्कस किया है। और आई होप अगर आप लोगों ने इस स्ट्रेटजी को अपना डाला तो लाइक झिंगा लाला। और दोस्तों इन सबको करने के लिए सीबीएसई आपको सफिशियंट टाइम भी ऑफर कर रहा है। तो दोस्तों आखिर देर किस बात की है, उठो जागो और भैया पढ़ने बैठ जाओ। आगे भी मेरी ऐसी मोटिवेशन वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी, आपको एसएल अरोरा के कई सारे क्वेश्चंस भी यहां पे मिलते रहेंगे, वन शॉट वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। तो इस चैनल के साथ में बने रहना। और हाँ दोस्तों अब तक लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन जरूर से दबाएगा। तो आप लोगों से देता हूं विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।